प्लैनेट अर्थ यानी धरती हमारे सोलर सिस्टम की एकमात्र ऐसी प्लैनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम धरती पर रहते तो हैं, पर ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल अनजान हैं या अवेयर नहीं हैं। मैं हूँ द फैक्ट्स, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 6 फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट अर्थ। तैयार हो जाइए अर्थ यानी हमारी धरती के बारे में जानने के लिए। एज ऑफ द अर्थ, धरती कितने साल की है? क्या आपको पता है धरती की एज क्या है? तो धरती की एज 4.54 बिलियन ईयर्स है, यानी 454 करोड़ साल पहले। अब आप सबके मन में ये सवाल आया होगा कि हमारी धरती की एज साइंटिस्ट ने कैसे कैलकुलेट की। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक, ये जो टेक्निक है ना, इसे साइंटिस्ट लोग कभी भी किसी भी मेटल या रॉक की एज का पता लगाते हैं। इसे आगे आप तो खुद समझदार होंगे कि अर्थ यानी हमारी धरती पर जो सबसे पुराना पत्थर है जो साइंटिस्ट लोगों ने खोजा है, और इस टेक्निक का यूज कर पता लगाया है कि वो पत्थर 4.54 बिलियंस ईयर ओल्ड है, यानी धरती की फॉर्मेशन के टाइम की है। इससे पता चलता है कि हमारी धरती 4.54 बिलियन ईयर्स पुरानी है, यानी 454 करोड़ साल पुरानी है। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, वैसे तो धरती यानी अर्थ की एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री है, लेकिन धरती पर ऐसे बहुत सारे जगह होंगे जहाँ का एवरेज टेम्परेचर अलग अलग होगा। 13 सितंबर 1922, अल जजीज लीबिया में आज तक की सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड की गई है, जो कि 57.8 डिग्री है, और जो दूसरे नंबर पे है वो अमेरिका में है 56.7 डिग्री, जो कि 10 जुलाई 1913 डेथ वैली अमेरिका में हुआ था। वैसे ही अगर लोवेस्ट की बात की जाए तो -89.2 डिग्री है, जो कि जुलाई 21, 1983 में वोस्टोक स्टेशन रसिया पर की गई थी। नेक्स्ट, 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। जब एस्ट्रोनॉट्स पहली बार स्पेस में गए, वो उन लोगों ने पीछे मुड़ के जब धरती को पहली बार देखा, मतलब इंसानी आँखों से, तो उनके ऑब्जर्वेशन पर हमारी धरती यानी अर्थ की निक नेम को ब्लू प्लैनेट रखा गया। और इसमें कोई मतलब जैसे सरप्राइज की बात नहीं है कि यह देखकर हमारे ग्रह का मतलब जो 70% हिस्सा है वो ओशियन से ढका हुआ है, और बाकी जो 30% है वो सी लेवल से अबव है, इसलिए इसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहा जाता है। द अर्थ वॉज वंस बिलीव टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले के साइंटिस्ट ये सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है, सारे प्लैनेट्स और सन इसका चक्कर लगाते हैं। इस मॉडल को जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। फिर बाद में एक बंदा आया, निकोलस कोपरनिकस। इस बंदे ने हीलोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सन अर्थ के चारों तरफ नहीं बल्कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, और ये हम सब तो जानते ही हैं, हीलियोसेंट्रिक मॉडल सही है और जियोसेंट्रिक मॉडल गलत है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। जी हाँ, आपने सही सुना, अर्थ यानी हमारी धरती की रोटेशनल स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। अगर डीएक्सीलरेट की बात करें तो अर्थ रोटेशन इज स्लोइंग 1700 मिली सेकेंड पर ईयर। वाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ना, मून अर्थ से दूर जा रहा है 3.78 CMS पर ईयर की स्पीड से, इसलिए धरती की रोटेशन स्लो होती जा रही है। मोर डिस्टेंस इज इक्वल टू लेस रोटेशन। धरती से मून जितनी दूर जाएगी, अर्थ की रोटेशन की स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। 3.78 CMS पर ईयर सुनने में ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको यह अमेजिंग बात बताऊँगा तो आप मतलब सुनने के बाद चौंक जाएंगे। जब 454 करोड़ साल पहले जब चांद नया नया था, तब धरती की स्पीड करीब एक दिन की 6 घंटे बराबर होती थी, लेकिन आज लगभग 454 करोड़ साल बाद धरती की स्पीड एक दिन 6 घंटे के बजाय बढ़कर एक दिन 24 घंटे होता है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो धरती स्लो होती रहेगी। 14 करोड़ साल बाद की बात करें तो धरती की स्पीड एक दिन में 24 घंटे की बजाय 25 घंटे की हो जाएगी।
रिवॉल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। हम लोग सब जानते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसकी रिवॉल्यूशन स्पीड क्या है? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। अर्थ की रिवॉल्यूशन स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। जितने देर आप यह वीडियो देख रहे हैं उतने देर में अर्थ ने 6120 किलोमीटर यानी 6120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। अमेजिंग बात यह है कि धरती अकेले नहीं घूमती है, बल्कि आपको भी साथ साथ ट्रैवल करवाती है। इसका मतलब यह है कि आप भी 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इसे फील नहीं कर पा रहे हो, है ना? ये बहुत ही मज़ेदार बात। यही है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट अर्थ।